वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर टिक्का की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ फ्रेंड्स, जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है चॉप्ड कैप्सिकम, टमाटो, अनियन। मैंने कुछ मसाले लिए हैं फ्रेंड्स, जैसे मैंने लिया है रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सॉल्ट, और मैंने लिया है तंदूरी मसाला पाउडर। मैंने लिया है 250 ग्राम के करीब पनीर, लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ कप दही, लेमन जूस, और ये है मैंने लिया है टूथपिक। अब चलिए फ्रेंड्स, हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है सबसे पहले एक बाउल में दही, हाफ कप। अब मुझे इसमें सारे मसाले ऐड करने हैं। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 2 टीस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट, तंदूरी मसाला पाउडर 1 टीस्पून। अब मैंने लिया है फ्रेंड्स 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, लेमन जूस। अब इसे फ्रेंड्स अच्छी तरह हमें मिक्स करना है ताकि सारे मसाले दही में ऐड हो जाए। ये देखिए, ये मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें सारे वेजिटेबल ऐड कर रही हूँ, कैप्सिकम चॉप किए हुए, टमाटो, अनियन। अब मैं इसमें पनीर ऐड कर रही हूँ, इसे हमें अच्छी तरह मिक्स करना है फ्रेंड्स, ताकि सभी मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और सभी में अच्छी तरह से कोटिंग भी हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हमें इसे ढककर 1 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रख देना है। आप चाहे तो इसे बाहर भी रख सकते हैं, फ्रिज में नहीं भी रख सकते हैं। ये देखिए 1 घंटे हो चुके हैं, ये बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुके हैं। अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैंने टूथपिक लिया है फ्रेंड्स, इसे ये देखिए मैंने टूथपिक लिया है। आप चाहे तो स्कीवर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे इसमें ऐड कर देना है फ्रेंड्स, वेजिटेबल और पनीर के साथ। ये देखिए, इस तरह से मैंने डाल दिया है। इस तरह से मैं सारे टूथपिक तैयार कर लूँगी। ये देखिए मैंने तैयार कर लिया है। अब मैंने पैन ले लिया है, इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। ये देखिए, ब्रश से हमें अच्छे से ग्रीस कर लेना है ऑयल को चारों तरफ। अब मैं इसमें मैरिनेट किए हुए पनीर टिक्का डाल रही हूँ। ऑलरेडी ये पहले से ही मैरिनेट हो चुके हैं, तो इसे हल्का रोस्ट करना है हमें लो फ्लेम पे। ये देखिए, इसे हल्का हल्का हम रोस्ट करेंगे। ये देखिए, हमारा ये पनीर टिक्का बिल्कुल रेडी हो चुका है, बनकर रेडी है। लग रहा है ना एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर टिक्का। आप चाहे इसे हरी चटनी या मीठी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी लगते हैं खाने में फ्रेंड्स। आप इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें घर पे। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय।